तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं दो फोनों का स्पीड टेस्ट, जिसमें से एक फोन है लेटेस्ट पोको X2 और दूसरा फोन है हमारे राइट हैंड साइड पे गैलेक्सी नोट 10 प्लस। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस फ्लैगशिप फोन, मोस्ट अमेजिंग फोन, मोस्ट अवॉर्डेड फोन कह सकते हैं इसको। और एक साइड पे पोको X2 जो कि पोको का सेकेंड मॉडल है, नॉट अ फ्लैगशिप एट ऑल, और बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार इसका भी स्पीड टेस्ट करके देख लें और देखते हैं कि पोको X2 एक्चुअली कहाँ पे स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ फ्लैगशिप फोन्स, कितना ज़्यादा कंपैरेबल है और कितना ज़्यादा ये अपने आप को दिखा पाएगा अपनी कैपेबिलिटीज़ को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे इस वीडियो को, इस स्पीड टेस्ट को, और देखते हैं सबसे पहली चीज़ रिबूट टेस्ट को कि कौन सा फ़ोन पोको X2 और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस में से जीत पाएगा हमारे रिबूट टेस्ट को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ गए हैं रिबूट टेस्ट के अंदर और यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं रिबूट दोनों फोनों को, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिबूट हो गया स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे आपकी बूट लोडर की जो वो है एनिमेशन, वो सबसे पहले यहाँ पे आई है, देन टू इसमें अभी तक भी कोई एनिमेशंस नहीं आई हैं, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंज है। यहाँ पे इसका बूट एनिमेशन अब आया है दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि ये जो फ़ोन है मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, जबकि ये बिल्कुल अभी अभी अनबॉक्स किया है मैंने। दोस्तों यहाँ पे हमारा पोको X2 खुल चुका है और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस द फ्लैगशिप अभी तक नहीं खुला है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है हमारा स्पीड टेस्ट, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को खोल के दिखाएंगे। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने दोनों ही फ़ोनों की जो सेटिंग्स है वो बिल्कुल सेम कर रखी है, दोनों को सेम वाईफाई पे कनेक्ट कर रखा है। मोबाइल डेटा को मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, ताकि कल को आप ये ना कहें कि मैंने कुछ और भी सेटिंग कर रखी थी। यहाँ वाईफाई कॉलिंग को हटा देता हूँ, साथ ही साथ मैं यहाँ फ्लाइट मोड लगा देता हूँ, ताकि जो वाईफाई है वो कहीं और यूज़ ना हो पाए, सिर्फ और सिर्फ मेरे इसमें ही यूज़ हो पाए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज ऑन है और यहाँ पे ऑफ है, तो यहाँ पे मैं लोकेशन सर्विसेज को ऑफ़ कर देता हूँ। साथ ही साथ मैं सिंक को भी ऑफ़ कर देता हूँ, ताकि वाईफाई जो है सिर्फ एप्लीकेशंस खोलने में ही लगे, ना कि किसी भी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस में यूज़ हो। और बाकी दोस्तों सब कुछ मैंने सेम रखा है, यहाँ पे भी कोई पावर सेविंग मोड ऑन नहीं है और यहाँ पे भी कोई भी पावर सेविंग मोड ऑन नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। दोस्तों सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं गूगल को स्टार्ट और देखते हैं गूगल सबसे पहले कौन सर्च कर पाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट दोनों में टाई हुआ है, मतलब बहुत ही कम फ्रैक्शन में, स्लोमो अल्ट्रा स्लोमो में जाके देखो शायद मुझे कोई डिफरेंस दिखे, बट मेरी जो बेयर आइज से दिख रहा है वो मुझे टाई दिख रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर, जो कि है हमारी क्रोम। और दोस्तों यहाँ पे क्रोम एप्लीकेशंस जो है वो भी ऑलमोस्ट टाई हुई है, मतलब कहीं पे भी दोनों में ज़्यादा डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला है। दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी जीमेल, और देखते हैं जीमेल में कौन जीतने वाला है। दोस्तों जीमेल में क्लियर विनर इज सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस इन कंपैरिजन टू रियलमी इन कंपैरिजन टू पोको X2। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और खोलते हैं हमारे मैप्स को। दोस्तों क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे पोको X2 पहले खोल पाया है मैप्स को इन कंपैरिजन टू सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। तो दोस्तों यहाँ पे पोको X2 आपका जीत चुका है। दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी है YouTube। दोस्तों YouTube के अंदर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। और यहाँ पे फिलहाल के लिए पोको X2 आपका जीत चुका है, देन टू सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। बढ़ते हैं आगे और खोलते हैं प्ले स्टोर को। दोस्तों प्ले स्टोर मुझे यहाँ पे खुलता हुआ पहले दिखा है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस पहले खुल पाया है, देन टू पोको X2। बट दोस्तों मैं बता देता हूँ कि पोको X2 काफ़ी अच्छा कर रहा है अभी तक, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं सारी एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट एप्लीकेशन खोलते हैं दोस्तों, एक शॉपिंग वेबसाइट जो कि है Amazon, और Amazon को पहले खोल पाया है दोस्तों ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस आपका पहले खोल पाया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं लास्ट एनिमेशन हो सकता है ये बूट कर दे, बट नहीं, यहाँ पे सबसे पहले खोल पाया है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस जीत गया है इसमें। दोस्तों खोलेंगे तीन छोटी छोटी एप्लीकेशन
बेसिकली इसमें हमारी कैंडी क्रश सागा है सबसे पहली एप्लीकेशन, जो कि गेमिंग एप्लीकेशन है, जो कि आप ऑलमोस्ट हर मेट्रो स्टेशन पे खेलते हुए दिख जाओगे। और यहाँ पे ये लोड हो गया है पोको X2 में। पहले दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस जिसने 80,000 रुपये लगाए हैं, वो रोना मत, प्लीज़ मत रोना, क्योंकि यहाँ पे पोको X2 एक्चुअली जीत चुका है। दोस्तों नेक्स्ट गेमिंग एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सबवे सर्फर। बचपन से खेलते आ रहे हैं इस गेम को और ये देखते हैं किस में पहले जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपका सैमसंग में पहले खुल चुका है और इवन काफ़ी पहले खुल चुका है इन कंपैरिजन टू पोको X2। अगली गेम दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट गेम, पबजी दोस्तों, जिसका कीड़ा है आप सबको, जिसके खेले बिना हम लोग रह नहीं सकते दोस्तों, पबजी देखेंगे पबजी कौन पहले खोल पाता है। और पबजी में दोस्तों, जब तक पबजी खुल रही है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ उसके बेल आइकन होगा वो भी दबा दीजिए। उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपको ऐसा लगेगा कि ये गेम बहुत जल्दी खुल गई है। दोस्तों यहाँ पे आपकी गेम पहले खुली, देन टू इसमें पहले आपका मुझे सुनाई दे गया साउंड, देन टू इसके। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब मिली सेकेंड्स का फर्क रहा, जिसमें कि आपका सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस जीत गया इन कंपैरिजन टू पोको X2। दोस्तों पोको X2 जो फ़ोन दिख रहा है मुझे अभी तक, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में जो है ये काफ़ी ज़्यादा कंपेरेबल रहा है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, अगर मैं कहूँ। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि मेरे स्पीड टेस्ट का जो विनर रहेगा थियोरटिकली एंड प्रैक्टिकली, तो दोनों चीज़ों में ही यहाँ पे पोको X2 रहेगा, क्योंकि पोको X2 अपनी प्राइस रेंज, जो कि बहुत ही मीडियम प्राइस रेंज का फ़ोन है, बहुत ही सस्ता टिकाऊ फ़ोन है, 730 प्रोसेसर के साथ आता है स्नैपड्रैगन के, वहीं पे एक फ्लैगशिप प्रोसेसर जो कि सैमसंग का खुद का बनाया हुआ है, और वो यहाँ पे हारता हुआ मुझे दिख रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर, जो कि हमारी बेंचमार्क स्कोर का कंपैरिजन। और बेंचमार्क स्कोर कंपैरिजन में एक्चुअली हर चीज़ को